सो हेलो एंड वेलकम गाइस, डॉक्टर डिजिटल मेंटल के और एक वीडियोस में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक छोटे से फ़ैन की, एक जो हैंड फैन होता है, पर ऐसा मैंने पहले नहीं देखा, बचपन में मैंने ऐसा नहीं देखा, पर अभी शायद ये इन्वेंट हुआ है, अभी शायद नया कुछ आया है बच्चों के लिए, या फिर इसे बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम डिसमेंटल करेंगे एक फ़ैन को। ये फ़ैन की तरह दिख रहा है क्या? ये फ़ैन की तरह दिख नहीं रहा, पर मुझे भी मैंने भी जब पहली बार देखा तो मैं कंफ्यूज हो गया था, भाई ये है क्या। तो उसके बाद मैंने दुकानदार को पूछा कि भैया ये है क्या, तो उन्होंने बताया कि ये एक छोटा सा फ़ैन है लेकिन इसमें हवा बहुत ज़्यादा आती है। तो मैंने बोला दिखा हुआ इस कैसे होती है, तो उन्होंने ऐसे इसको ऐसे प्रेस किया, ये घूमने लगा। और मैं बता रहा हूँ कि मैं इधर में प्रेस कर रहा हूँ, अभी भी मुझे हवा आ रही है, बहुत सारा हवा आ रही है। तो आप शायद साउंड भी सुन पा रहे हो इसकी हवा की। तो चलिए हम इसको अभी खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। तो पहले तो इसके अंदर एक छोटा सा स्क्रू है और उसके बाद तो कुछ दिख नहीं रहा, तो इसको ही पहले खोल देते हैं। तो इसका स्क्रू हमने खोल दिया है, तो इसको अभी हम प्रेस करके ही खोल देंगे नाखून से। और तो इसके अंदर स्क्रू वगैरह है नहीं, तो इसको हम नाखून से प्रेस करेंगे तो शायद। ओ पहले हमको इसको भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर नहीं खोला तो कैसे खुलेगा क्या। अच्छा पहले देखते हैं, इसको खोलते हैं, अगर नहीं खुला तो उसको खोल लेंगे उसके बाद। मैंने बचपन में ऐसे खोलते हुए बहुत कुछ चीज़ें तोड़ दिया, तो इसलिए खोलते वक्त मुझे बहुत डर लगता है कि टूट ना जाए। पर कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए टूट जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि आपको दिखाना ज़रूरी है कि इसके अंदर होता क्या है। अच्छा तो इसके अंदर एक और ऐसे सॉकेट की तरह है, इसके अंदर बहुत सारे स्क्रू हैं इसके अंदर। ओ ये इसका कवर के टाइप था, उसके ऊपर और तीन स्क्रू हैं, तो इसको भी हमें खोलना पड़ेगा अभी। ये एक छोटा सा चीज़ है लेकिन इसमें बहुत सारे स्क्रू हैं। किसी किसी गैजेट में भी इतना स्क्रू नहीं रहता, तो खोल दिया इसको भी हमने। तो स्क्रू भी खोल दिया है, तो इसको भी अभी प्रेस करके खोल लेंगे। ओ इसका तो पूरा फंक्शन ही गड़बड़ हो गया, अभी तो इसको ठीक करना पड़ेगा शायद। One hour later. तो दोस्तों ये तो पूरा खुल गया है, लेकिन इसका इसका जो कैसे था, ये कहाँ था मुझे पता नहीं चल रहा। इसके अंदर कुछ ऑयल लगा हुआ है ताकि ये अच्छे से घूम पाए इसके लिए। तो हम देखते हैं इसको अगर फिट कर पाते हैं तो उसके फंक्शन हम देख लेंगे कि कैसा कैसे काम करता था। तो देखते हैं पहले इसको फिक्स कर पाए कि नहीं पाए। One eternity later. शायद ऐसा था, पता नहीं कैसा ऐसा था, शायद ये इसमें फिट हो रहा है बहुत सारा, बहुत अच्छे से इसमें। और ये ऐसा था, हाँ ऐसा था। तो इसको हमने फिट कर दिया बहुत ही ज़्यादा शर्लक होम्स के दिमाग लगा के। तो अभी हम देखते हैं इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि फ़ैन घूमेगा कि नहीं। हल्का तो गलती हो गई थोड़ी, ये इधर नहीं, ये इधर आएगा। और ये आएगा इधर, अभी हमने अच्छे से सरल गोम्स की माइंड लगा के इसको फिट कर दिया है। तो अभी हल्का सा, हाँ ऐसे ही था, क्योंकि ये घूम रहा है। ए देखो ये घूम रहा है, ठीक कर दिया मैंने।
तो गाइस इसके अंदर ऐसा ही है, इसके अंदर कुछ नहीं, बस तीन ऐसे ऐसे टाइप के, इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, तीन ऐसे हैं। इसको हम जब इधर से जब कर ये जब प्रेस करते हैं तो ये घूमता है, और ये घूमने से इसके अंदर जो है ये भी घूमता है, ये घूमने से इसके ऊपर का जो है प्रोपेलर के टाइप कुछ है ये भी इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये घूमने से ये भी घूमता है, और उसके बाद इसका जो फ़ैन है वो घूमता है। दोस्तों आपने देख लिया कि इस छोटे से फ़ैन में क्या होता है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।